के ढेर थे वहाँ से वहाँ तक 50 साल की डंपिंग रही है। 50 साल तक यहाँ गंदा कचरा जो था पूरा मिलता रहा है। बोल बांकी बिहारी लाल की जय, श्री कनक बिहारी लाल की जय, गोविंद गोपाल की जय, श्री राधे। ये डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था, यहाँ पे मरे हुए जानवर पड़ा रहा करते थे, जगह नहीं थी बिल्कुल। ये सब यमुना मिशन ने 3 साल में कार्य किया। आप सीधे सीधे चले आओ, बिल्कुल रुको मत। और यमुना मिशन की सबसे बड़ी तो जंगल में तो आना है, जंगल में मंगल का दर्शन होना है। एक व्यक्ति के द्वारा ये सारा कार्य सम्पन्न हुआ है, जो यमुना मिशन के संस्थापक है श्री प्रदीप बंसल जी। यमुना किनारे किनारे और वो जब भी आते हैं एक एक पेड़ को देख के आते हैं, पेड़ों से विशेष लगा दे उनको, उनको हर एक पेड़ से लगा दे। मतलब जब भी आएंगे उसको फोन कर, उसको फोन कर लो ना, जिसका नंबर दिया तो वो वहीं इंतजार कर रहे हैं। तो नहीं है कुछ, महाराज जी को लेके मैं आगे की तरफ आ गया, वहाँ सब वेट कर रहे हैं। वो ऐसे ही चलती है, जैसे कि ये मसानी नाला आ रहा है, इसको मतलब कलियुक्ता कालिया ना और बीच बीच में हम जेसीबी पावरलाइन मशीनों द्वारा गंदगी को निकाल लेते हैं और उस कचरे को निकाल के ऐसे भर देते हैं और उसका गोबर की खाते हैं, जिससे ये हरियाली हो रही है। ये हमारे ये अभी कल ही लगाए, हाँ तो जैसे वो है तो बड़े बड़े आ गए, उनको जो है ऐसे ऐसे हाँ वो उसमें फायदा करता है एक्सरसाइज पे। जय श्री राधे। आज आज आओ सीधे बिल्कुल जंगल में चले आओ, भेड़िया बाबा के गौशाला है, देखिए बदले की सूदे तक सूदे आ जाओ। जंगल पार करते हुए जहाँ जहाँ रोड आ रहा है ना, ये करते हैं जहाँ जहाँ तक रोड आए वहाँ तक आ जाए।